साथियों, हम कहीं भी क्यों न पहुंच जाए, बड़े बड़े शहरों या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बस जाए, अगर हमने अपने गांव को जिया है तो हमारा गांव हमारे भीतर से कभी नहीं निकलता है। वो हमारी रगों में बस जाता है, वो हमारी सोच में हमेशा रहता है। हम इसलिए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि गांव हमारी आत्माओं में बसता है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ग्रामीण भारत के लिए, हमारे गांवों के लिए हमारे सपने और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी भारत की आजादी को भारत के गांव से जोड़कर देखते थे। भारत का गांव यानी जहां आध्यात्म भी हो, आदर्श भी हो। भारत का गांव यानी जहां परंपराएं भी हो और प्रगतिशीलता भी हो। भारत का गांव यानी जहां संस्कार भी हो और सहकार भी हो, जहां ममता भी हो और समता भी हो। आज आजादी के अमृतकाल में ऐसे ही गांवों का पुनर्गठन, उनका पुनर्जागरण, ये हमारा कर्तव्य है। आज इसी संकल्प को लेकर देश गांव, गरीब, कृषि, किसान और पंचायती लोकतंत्र के विभिन्न आयामों में काम कर रहा है। आज भारत के गांव में सबसे तेज गति से सड़कें बन रही हैं। आज भारत के गांवों में तेज गति से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। आज भारत के गांवों में तेज गति से घर बन रहे हैं, एलईडी स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं। शहरों के साथ साथ हमारे गांव में भी विकास के हर मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर के चले, ये नए भारत की सोच भी है और नए भारत का संकल्प भी है।